तो आज हम लोग पीसी जब लेके गए तो कहते हैं कि यार ये तो सही हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यार अब इसका क्या हाल है, कहते यार अब आप लोग नया पीसी बनवाओ, तो मतलब यार आपके भाई का फुल हैवी वाला खर्चा हो गया। बाकी बाबा जी आज कुछ सीन्स इस तरह के गेम बताई गई है फुल हैवी वाली उन्हीं लड़कों के साथ जिन्होंने पिछली दफा हमारे साथ फुल बेमानी की थी। ओ बैन चुप काट गया। कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी मजे में है और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा है। आपका भाई मजे में तो है लेकिन आज आपका भाई फुल हैवी मामलातों में, मतलब कि आज आपके भाई का जो इंसान बहुत खर्चा हो गया। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यार मेरा जो पीसी है वो 7 अप हो चुका है, तो आज हम लोग पीसी जब लेके गए तो कहते हैं कि यार ये तो सही हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यार अब इसका क्या हाल है, कहते यार अब आप लोग नया पीसी बनवाओ, तो मतलब यार आपके भाई का फुल हैवी वाला खर्चा हो गया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरा खर्चा जल्दी जल्दी पूरा हो यार। बाकी यार वेलकम बैक हो गया तुम्हारा नए व्लॉग के अंदर। इतना कुछ तुम्हारे लिए करते हैं, वीडियो एडिटिंग ये वो सारा कुछ, इतने खर्चे किसके लिए करते हैं, तुम्हारे लिए करते हैं। मुझे पता है तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तुम्हारे से कोई गिला नहीं है, तुम लोग मेरी जानी हो। बाकी बाबा जी आज के कुछ सीन्स इस तरह के गेम बताई गई है फुल हैवी वाली उन्हीं लड़कों के साथ जिन्होंने पिछली दफा हमारे साथ फुल बेमानी की थी। लेकिन जो आज के मामलात हैं वो मैं इनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आज आप देखो मैं इनके साथ करता क्या हूं, मैं बातें नहीं करता, करके दिखाऊंगा कि मैं करता क्या हूं। मेरा फैसला छोड़ दे मोबाइल की जान यार, पूरी रात तू वड़ा रहता यार, जल्दी कर व्लॉग बना यार, मेरा कैमरा संभाल यार, क्या कोई शर्म यहाँ है? नहीं तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा, बड़ा बगैरत इंसान है यार, निकल इसकी। क्या कर क्या रहा है तू भाई? मैं पैसे कमा रहा हूँ। किस तरह पैसे कमा रहा है? ये यूं यूं करके बस पैसे कमा रहा है? तुझे भी नैन गेम के बारे में किसी ने नहीं बताया? अच्छा तू भी वो खेल रहा है यार, मैंने मना किया था, मैं कह रहा था कि यार नहीं बताते यार, इसे ये मेरे से अमीर हो जाएगा यार। खैर अब बता ही दिया तो अपनी पब्लिक को भी बता देते हैं, B9 गेम ऐसी है, मजे मजे की गेम्स है उसके अंदर, आप लोग मजे मजे की गेम्स खेल के पैसा कमा सकते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, 300-400 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन आप उससे रियल पैसे कमा सकते हैं और उसमें कोई भी स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। और सबसे मजे की बात यह ना कि उसका विड्रा आप लोग अपने ही मोबाइल पे, अपने ही अकाउंट पे, अपने पापा के अकाउंट पे, अपने किसी संगी के अकाउंट पे भी विड्रा ले सकते हो। उसके लिए ना आपको कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, ना आपकी कोई अच्छी शक्ल होने की जरूरत है, ना आपको कोई मेहनत करने की जरूरत है। खाली ये कि यार आपका दिमाग थोड़ा अच्छा चलना चाहिए और आप जैसी गेम खेलोगे पैसे कमाओगे और विड्रा ले लोगे, पैसा ही पैसा होगा। B9 गेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, जल्दी से डाउनलोड करें और खेलें और पैसे कमाएं आज से। यार पिछली दफा जब हम लोगों ने गेम की थी इसके साथ की थी, लेकिन आज हम लोग ये थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि जब से नहीं ले गया ना इसे हम लोगों ने पेचे शेचे नहीं किए, और इस केमिकल की हम लोग जो ना टेस्टिंग करते हैं कि यार ये केमिकल कैसी है। यार उड़ती उड़ती खबर सुनने में आई है इन बच्चों से कि यार ये जो यहाँ पे कोई चाचा रहता है वो पुलिस को बुला रहा है। अब बाबा जी सिस्टम ये हुआ ना कि वो जो चाचा था ना उसने रखे हुए थे कबूतर, उसने कबूतर उड़ाए हैं और उसके कबूतर दोबारा उसकी छत पे नहीं बैठे, क्योंकि इनकी डोर वहाँ पे थी, किसी डर की वजह से कबूतर नहीं बैठे। तो बाकी चाचा हमारे पे अल्टर हो गया, लेकिन कोई नहीं यार, एक दफा छोड़ के 100 दफा हम गुड्डा उड़ाएंगे। ये जी विदाउट किसी खौफो हिरास से, खौफो हिरास ही होता है ना, नहीं तो वो देख सकते हैं आप सामने उनके फादी भाई, वो बताऊं जरा जो हुआ है अभी हमारे साथ। वो मैंने बता दिया, होंडे की आवाज भी आ रही है। खैर है यार कुछ नहीं होता, बाकी इनके सब पेचे शेचे लगाते हैं फिर तो दिखाते हैं हमारी मेकिंग का, देख सकते हैं कितना मजे है, बड़ा चेक कराए फादी भाई, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, चल नहीं रही, छिकों वाला काम होगा, चेक कर सकते हैं घूम उंगलियों के इशारे पे, हवा ना होने की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल। ओए होए 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 क्या बात है, क्या बात है फादी भाई, आज पेचे कैसे करोगे यार? छिके मारूंगा छिके। हाँ यार वैसे भी आज हवा नहीं चाह रही है, देख तू सही इनके साथ मैं करता क्या हूँ, ठीक है ला के भेजूंगा रुला। जी फादी भाई पेचे लगाने लग गया और ये इन छिक मारेंगे और ये गया। ओए ओए गंदा हो गया, देखते हैं अब क्या होता है और क्या नहीं होता। फादी भाई का ब्लैक वाला है, फादी डील दे, बस निकल गया, निकल आया पहचान, बस ठीक है ठीक है, छीक नहीं मारने दी उसने, वो समझ गया कि छीक मारेगा मुझे। फादी भाई यार एक बात तो बताओ, हा? ये डोर कौन सी है यार जिससे आप उड़ा रहे हो? ये हमें एक दोस्त ने गिफ्ट की थी। इसका नाम क्या है? ड्रैगन। ये आज तक मैंने यूज तो नहीं की, लेकिन आप इसका टेस्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम उसने दिया, कहता फादी भाई ये मेरी तरफ से रखो, पैसे भी ना दो, कोई चक्कर नहीं, खाली आप टेस्ट करोगे कैसी है, ठीक है चलो टेस्ट कर लेते हैं। उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले, ओ चुप गया। सो हर दफा की तरह फर्स्ट गुड़ा हम लोगों ने कटवा लिया, लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं देखो मैं क्या करता हूँ, बस तुम लोग चुप काट दो, तुमने पहले भी यही बोला था कटवा लिया ना, चुप। और यार पहला पेचे इन सारों को पता, फादी भाई काट कटवाते हैं खुद, अगले इतने बड़े पेचे बाद हैं, तूने सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, पहला पेचा जस्ट वेट एंड वॉच। बाबा जी फादी भाई ने गुस्से में आके एक रत्न वाली परी उड़ा रही है, ठीक है देखते हैं रत्न वो, ओए गुड़ा ही
मैं बाहुबली वाली मूवी में नहीं, मैंने कल देखी है ना। गुड पेचा यार, बहुत अच्छा पेचा किया, नाइस पेचा किया, अप्रिशिएट करने का दिन करा। और एक खुशखबरी देता चलो यार, आज बड़े गुडे उड़ रहे हैं, ये चेक करो, ये गुडा ये अपने मले से उड़ा, देखो यार काफी गुडे छुडे उड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 छो पीछे से गुडा उड़ रहा है, मतलब कि सीजन इन हो गया यार फैसल, और सामान लेके आए, फिर न्यू स्टैश लेके आए, अभी नहीं थोड़ा सा सीजन थोड़ा सा और इन हो जाए इंशाल्लाह फिर लेके आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ज्यादा कमेंट किया ना कि फादी भाई नया सामान लेके आओ, फिर हम नया सामान लेके आएंगे। और कल फैसल भाई आपने करना ये ना कि जो पुराना सामान है ना हमारी सारी डोरे छोरे उन्हें लगवानी है सही तरह से धूपे, जो पुराना गुडा पड़ा हुआ है उन्हें लगवाना सही तरह से धूप, ताकि हम जो है ना अपना आम तौर पे आप सही तरह प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि आप बसंत के दिन आ गए हैं वापस। अभी देखें ना हमारे पेचे नहीं करने हो रहे सही। हाँ अभी पेचे नहीं सही करने हो रहे, लेकिन यार कोई मसला नहीं यार, खैर है, उन्होंने भी पेचा अच्छा किया यार, नो डाउट। पहले उन्होंने बेमानी की थी जब फर्स्ट गेम की थी, लेकिन अभी पेचा अच्छा कर रहे हैं यार। और जी आप लोगों ने ना रात को चांद देखा होगा, रात को सितारे देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूँ दिन में चांद, देखना अभी जखिया। देखे गाइस ये आपको रोशन पाकिस्तान नजर आ गया, ये गांव गया था, इतना काला नहीं था, लेकिन जब गांव से आया तो बहुत ज्यादा काला हो गया, ठीक है, पहले इतना काला नहीं था। हाँ पहले इतना काला नहीं था, लेकिन जब से गांव गया है ना फिर वापस आया फिर बहुत ज्यादा काला हो गया। बाकी फादी मैंने अपना पुराना पिछले साल गुडा उड़ा लिया, और साल बता दे जब फादी भाई नहीं गाइस, जब फादी भाई पैदा और थे उन्होंने तीन तीन गुड्डे अपने छोड़ दिए, एक के और एक, और हमने अपना छोड़ा है। लड़के पता है क्या, लड़के दोनों इकट्ठे काट के ना एग्रेसिव हो गए। इस जकी बहन ने गुड्डा मांगा, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सेटिंग करके देता हूँ एक। गुड्डा पैसा लगा हुआ पादी क्या कह रहे हैं यार, पेचा लगा नहीं, उन्होंने अपना गुड़ा देखो किधर कर लिया, ये देखो ये जगह गुड़ा किधर चला गया उनको, ओए होए होए पादी भाई ये उतारते ही रहेंगे तुझे, ओए वो देखो आप समझ आ गई उन्हें। फादी मैं तो कहता हूँ यहीं से राख ऊपर, बहुत डोर जाया होगी इनकी। ए जी बाबा जी पेचा लग गया, ठीक है, और फादी भाई ने नीचे से उठाया, उन्होंने ऊपर से रखा है, शुक्र काट दिया। ये जी बाबा जी पेचा लग गया है, और उनका येलो कलर का गुड़ा है, आप लोगों को शायद सही नजर ना आए, और हवा भी इस पेचे में ठीक है, ठीक ठाक है। फादी भाई फुल हेलीकॉप्टर बने हुए हैं, पेचा आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये ऊपर वाला जो गोल घूम रहा है बल्कि घूमते दोनों ही रहे नजर आने के लिए। लगा है पेचा, हाँ इस तरह उठा उठा उठा, गुड, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही है, सही है, सही है, सही है, बस अब गया उनका थोड़ा सा और, यही है, यही सर लेवल हो गए बाबा जी, दो गुड्डे उन्होंने मारे काटे, हमने भी उनको दो गुड्डे काट दिए, ठीक है। चल लपेट लपेट लपेट, जल्दी कर, नमाज पढ़ने जाना है, जल्दी कर, वो छींक मारेंगे, जल्दी कर। ये जी बाबा जी दोबारा पेचा होने जा रही है, बोला उनका गुड्डा और हमारा गुड्डा, ये बोला ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। फादी रख दे, ठीक है ठीक है ठीक है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, क्रॉस बहुत अच्छा पड़ा हुआ है ना, बहुत अच्छा क्रॉस पड़ा हुआ है। चलो गया, अब हम एक, हमने उनका ज्यादा काट दिया, ठीक है, एक की लीड में हम। सो गाइस सीन्स ऐसे ना कि 15-15 गुडो का चैलेंज था, उन लोगों ने हमें बोला था यार 15 गुडो का चैलेंज, मैंने कहा ठीक हो गया कोई मसला नहीं, तो अभी तो हम मतलब के एक लीड पे जा रहे हैं, मतलब हमारा एक स्कोर है, दो उन्होंने हमारे काटे, दो हमने उनके काटे थे, और अभी लास्ट हमने उनका काट दिया। अभी उनसे पता करता हूं कि क्या सीन है, उनके पास गुडे शुडे हैं और काफी अच्छे पेचे कर रहे हैं, उनसे मैं पता करता हूं कि यार बाकी कल कर लेंगे, क्योंकि अब मैंने ब्लॉग एडिट वगैरह भी करना है, सारे निजाम आपको पता सारे हम लोगों ने करने होते हैं, रात को फैसल मेकिंग कर लेगा और कल हम लोग इनके साथ गेम डन कर देते हैं, बाकी मैं इनसे पता करता हूं क्या करना है। यार उन लड़कों से बात होगी, उन लोगों के गुड़े मैंने उतरवा दिए, अपना गुड़ा भी मैंने उतार लिया, अभी ऐसा करते हैं उन लोगों को मैंने बुलाया नीचे शाबाशी देने के लिए, क्योंकि उन्होंने पेचे बहुत अच्छे किए हैं यार वाकई। फर्स्ट पेचा जो था ना वो मैंने शुगल मेले में किया, सेकंड पेचा मैंने बिल्कुल सीरियस होकर किया था कि यार मैंने उनका काटना है, लेकिन उन लोगों ने मेरा काट दिया, अच्छा पेचा हुआ था। थर्ड पेचा भी मैंने सही सीरियस होकर किया है, बाकी जाते हैं नीचे उन्हें शाबाशी वगैरह देते हैं, थोड़ा सा बच्चों का दिल खुश हो जाएगा यार, समझा करो। मेरा ये भाई लोग आए थे ठीक है गेम शेम करने के लिए, ये भाई भी आया हुआ था, और आज सारे पेचेस ने किए हैं, खाली येलो वाले को छोड़ के ना, येलो वाला इस भाई ने किया था, लेकिन यार आज अच्छे पेचे कर रहे थे, उड़ाने भी देर थे हमें, और इन्होंने हमारे काटे भी हैं, तो आज की गेम आप जीत ही हो, ठीक है।
आप लोग जीत गए आज की गेम, ठीक है ना। बाकी ऐसे करना ना, जो तूने 15 गुड़े बगाया संभाल के रखे हुए ना, कल 4:45 बजे ठीक है, वो सारे भी तू। अब देखते हैं यार कौन किसकी कार्ड है। तुम्हारी अच्छी गेम है यार, अच्छे पेचे करते हो यार तुम सारे यार। फिर भी तुमने पिछली दफा यकीन लगाई थी, मुझे गुड़ा भी नहीं उड़ाने दिया था। तो बाकी ठीक है, इंशाल्लाह कल करते हैं फिर गेम। बाकी यार छोटे छोटे भाइयों को गेम दे दिया है, रहता है एक गुड़े से हम जीत गए तो कौन सा कोई बड़ा तीर मार लिया। खुश हो गए यार वो, एक उन्हें अप्रिशिएट किया, यकीन मानो उनके दिल पे खुशी थी कि यार फादी भाई ने हमें अप्रिशिएट किया। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, आज का व्लॉग करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।